वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम क्यूब एंड क्यूब रूट के सम्स ओरली करना सीखेंगे। डिटेल में हमने चिनाराकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स का ऑलरेडी यूट्यूब में डाली हुई है, जिसमें सारा बेसिक कॉन्सेप्ट द्वारा सारे समझाए हुए हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले, स्टार्ट करने से पहले हम बेसिक चीज समझ लें कि हमें क्यूब्स पता होने चाहिए, क्योंकि क्यूब से ही हमने टेंथ डिजिट निकालनी है क्यूब और क्यूब रूट की। और यूनिट डिजिट के लिए क्या होता है कि जब हम नंबरों को दो में डिवाइड करते हैं, तीन तीन के ग्रुप बनाते हैं, तो जो फर्स्ट ग्रुप होता है उससे हम यूनिट डिजिट निकालते हैं। यूनिट डिजिट और ग्रुप वन की और यूनिट डिजिट क्यूब की या क्यूब रूट की सेम आती है। किन किन नंबरों की? 1, 4, 5, 6, 9 और 0 की। बट 2, 3, 7, 8 की डिफरेंट आती है। क्यों? 2 की 8 आ जाती है, 3 की 7, 7 की 3 एंड 8 की 2। तो अब हम क्या करते हैं, सम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो सपोज करो हमें फर्स्ट सम है हमारा 1, 4, 0, 6, 0, 8। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया 3-3 के, और यूनिट प्लेस पर 8 है, तो इट मींस यूनिट डिजिट यहाँ कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। सेकंड कितना है, 140 है। 140 मींस 5 का क्यूब 125 है और 6 का 216 है, तो हमारा क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 10 डिजिट क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी, क्योंकि हमने ज्यादा वाला नंबर नहीं लेना। तो ये कितना बन जाएगा, 52 का क्यूब हो गया। ठीक है, अगर हमने इस नंबर का क्यूब रूट निकालना है तो हम क्या ऐसे करेंगे, जो हमारा 52 का क्यूब आया था उसकी एक्सपोनेंट को हम 1/3 कर देंगे, तो हमारे पास कितना आ गया, 52 आ गया। क्लियर हो गया? तो कितना हमने, वैसे तो ये हम ओरली कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं 29791। क्लियर, यूनिट प्लेस पर 1 है, तो मींस क्यूब या क्यूब रूट की यूनिट डिजिट 1 आ जाएगी। 29 क्या है, 3 का क्यूब 27 और 4 का क्यूब 64 ज्यादा हो जाता है, तो हम किसको कंसीडर करेंगे, 10th प्लेस पर 3 को, तो मींस कितना आ जाएगा हमारे पास, 31 का होल क्यूब, और क्यूब रूट निकालेंगे तो 31 आ जाएगा। नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं 3, 1, 4, 4, 3, 2। दो ग्रुप बना लिए 3-3 के, यूनिट प्लेस पर 2 है, तो क्यूब या क्यूब रूट की यूनिट प्लेस पर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और 3, 1, 4 को कंसीडर करते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाता है, 6 का क्यूब 216 है और 7 का क्यूब जो है वो ज्यादा हो जाता है, 343 है, तो हम क्या रखेंगे, 10th प्लेस पर 6 रखेंगे, और 2 का हमने निकाला था पहले ही 8, तो 68 का होल क्यूब आ गया। क्लियर, अब नेक्स्ट सम सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट सम क्या है हमारा, 103823। इसको भी दो ग्रुप बना लिए, यूनिट प्लेस पर 3 है, इट मींस हमारा जो यूनिट डिजिट आएगी क्यूब की वो कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। और 103 का अगर हम जब करेंगे, तो यहां देखिए 4 का क्यूब 64 और 5 का क्यूब जो है 125 ज्यादा हो जाता है, तो हम क्या रखेंगे, 4, और 3 इसका क्या आया था हमारा, 7 आया था, तो 47 का हमारा क्यूब आ गया। इसके बाद हम नेक्स्ट सम करते हैं। नेक्स्ट सम हमारा क्या है, 1, 5, 7, 4, 6, 4। दो ग्रुप बना लिए 3-3 के, यूनिट प्लेस पर 4 है, तो इट मींस क्यूब की यूनिट प्लेस पर भी 4 आएगा। और 157 का निकालते हैं, तो देखते हैं 5 का क्यूब 125 है और 6 का क्यूब 216 है, जो कि ज्यादा हो जाता है 157, तो हम कौन सा लेंगे, लोअर वाला, तो 5 आ जाएगा, तो 5 उसका आया, और ग्रुप 1 का कितना आ गया, 4, तो 54 हमारा क्यूब आ गया, और क्यूब रूट कितना आ जाएगा हमारा, 54 आ जाएगा। तो अब हम आपको थोड़े से सम खुद सॉल्व करने के लिए देते हैं, जिससे कि आप में एक कॉन्फिडेंस जो है वो डेवलप हो जाए। ठीक है ना,
क्योंकि अब आप देखिए आपका कितना कम टाइम लगा, अदरवाइज आप सारा दिन स्कूल का होमवर्क ही करते रह जाते हैं। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि एक तो मेंटल एबिलिटी से क्या होता है, आप लोगों की पढ़ने में मन भी लगता है और कंपटीशन में मेंटल एबिलिटी भी आती है। तो उसके लिए अगर आप इतना टाइम रिटन वर्क में ही करते रह जाएंगे तो मुझे हाँ ठीक है रिटन वर्क करिए, लेकिन साथ साथ ओरल सम करने की भी आदत आप लोगों में जरूर होनी चाहिए। तो इसमें एक सबसे बड़ी बात है कि सब मिलके करें, कौन जल्दी करता है, एक कंपटीशन होगा और एक आपके रिलेशन बड़े अच्छे डेवलप हो जाते हैं। नहीं तो सब लोग क्या कहते हैं भाई मैथ तो बहुत टफ है, क्योंकि हम रिटन करते हैं उससे कुछ समझ नहीं आता। सो इस तरह आपने देखा, अगर आपको ओरली करने में आनंद आया है और ये वीडियो भी पसंद आई है तो इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।